सेक्शन 87A के अंदर मिलने वाली रिबेट जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 25,000 तक का बेनिफिट मिलता है। तो देखिए इस फाइनेंशियल ईयर से जो मेरा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 24-25 मींस 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा, अब ये 25,000 की रिबेट का बेनिफिट दोस्तों आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा, बजट के अंदर जो चेंजेस किए गए वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब ये जो बेनिफिट था आपको 25,000 का न्यू टैक्स रिजीम में जो आपको 87A की रिबेट मिलती थी अब वो नहीं मिलने वाली है। तो जो नई रिबेट मिलेगी वो कितने अमाउंट की होगी, चलिए इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ बजट 2024 के अंदर जो न्यू टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब था उसके अंदर चेंज कर दिया गया। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसकी ITR अभी आपने 31 जुलाई तक फाइल की है, ये आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया, उसके अंदर ये वाला टैक्स स्लैब जो है यूज़ होता था 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 to 6 5%, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20 और मोर देन 15 30। बट इस बजट के अंदर देखिए चेंज कर दिया गया और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर से इस टैक्स स्लैब को वाइड कर दिया गया। कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं 3 लाख तक तो कोई चेंज नहीं है, बट जो ये आपका 3 to 6 लाख टैक्स लगता था 5%, अब इसको बढ़ाकर 3 to 7 कर दिया गया है। तो टैक्स का जो रेट है वो देखेंगे आप सेम है 5 10 15 20 30, बट जो ये लिमिट थी 3 to 6 इसको 3 to 7 कर दिया गया, जो 6 to 9 था इसको 7 to 10 कर दिया गया, 9 to 12 को 10 to 12 कर दिया गया, बाकी चेंज है। तो ये इन तीन केसेस में जो है वो चेंजेस कर दिए गए हैं और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं टैक्स का बेनिफिट भी जो है वो मिल जाएगा, वो आगे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताऊंगा। बट एक इसका नुकसान भी आपको दोस्तों हुआ है रिबेट को लेकर, वो मैं अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आप सेक्शन 115BAC को एक बार समझ लीजिए। 115BAC जो कि न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले टैक्स रिबेट की बात करता है, देखिए वो क्या कहता है, आपको जो रिबेट मिलती है वो सेक्शन 87A के अंदर मिलती है जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जो कि इफेक्टिव था 1 अप्रैल 2024 से। अब ये प्रोविजो ये कहता है कि इफ़ द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ 115BAC एंड द टोटल इनकम। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पकड़ कर चलना है तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 700,000 रुपीज़, मीन्स ये बोलना चाहता है अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से क्रॉस नहीं करती है, द टैक्स पेयर इज एंटाइटल टू डिडक्शन इक्वल टू 100% ऑफ द इनकम टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम। तो 7 लाख तक की आपकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स की 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी और एन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस, मीन्स मैक्सिमम आपको 25,000 तक की रिबेट जो है वो मिल जाती है सेक्शन 87A के अंदर। बट अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी सपोज करें 20,000 की होगी या फिर 15,000 की होगी तो उस केस में आपको जो भी लोअर अमाउंट होगा इन दोनों में से 25,000 और 20,000 या 15,000 उसका बेनिफिट आपको जो है वो दिया जाएगा। तो सेक्शन 87A की रिबेट आपको इस तरीके से मिलती है। तो अभी क्लॉस बी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि क्लॉस बी जो है वो मार्जिनल रिलीफ को लेके बात करता है, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख क्रॉस भी कर जाती है तो आपको एक मार्जिन रिलीफ दे दिया जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें तो वहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट जो है वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो है चेंज कर दिया गया, मीन्स उन्होंने जो टैक्स स्लैब के अंदर चेंज किया उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो गया। अब आप ये बोल सकते हैं जो ये 25,000 तक की रिबेट आपको मिलती थी अब इसका कोई भी लॉजिक नहीं रह गया है क्योंकि ये 25,000 की रिबेट अब आपको मिलने वाली ही नहीं है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अब ये रिबेट आपको कितनी अमाउंट की मिलेगी और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 25,000 की रिबेट आपको नहीं मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मैंने टैक्स स्लैब लगा लिया है जो मेरा अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसकी ITR अभी आपने फाइल की है। यहाँ पर आपको देखिए रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A इनकम अप टू 7 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है
7 लाख तक होती है, तो इस तरीके से आपको रिबेट मिल जाती है 7 लाख तक की इनकम के ऊपर। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता तो जीरो हो गई रिबेट। 3 to 6 5%, तो 15,000 रुपये की रिबेट यहाँ मिल गई आपको। 6 to 9 आपका 10% लगता है, बट क्योंकि आपको जो रिबेट मिलती है दोस्तों वो आपको केवल 7 लाख तक मिलनी है, तो यहाँ पर केवल 6 to 7 1 लाख पे आप 10% टैक्स ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये 25,000 रिबेट की कैलकुलेशन की जाती थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक, और इस तरीके से आप जो है 25,000 की रिबेट ले लेते थे। बट देखिए अब चेंज क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं जो मेरा अब टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा, ये टैक्स स्लैब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्स स्लैब था। अब मेरा जो करंट ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, उसमें मैंने आपको बताया था टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव कर दिया गया है, उसको वाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो 3 to 6 था उसको 3 to 7 कर दिया गया है, और यहाँ पर 5% टैक्स आपका लगने वाला है। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया, जो आपको सेक्शन 87A की रिबेट है वो आपको मैंने यहाँ पर भी बताया था, सेक्शन 87A की रिबेट आपको मिलती है अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है। तो अब यहाँ पर आप देखें, अब इस फाइनेंशियल ईयर से अगर आपकी इनकम 7 लाख तक होगी तो 3 to 7 जो आपको टैक्स लगता है वो 5% का टैक्स लगता है। तो यहाँ पर जो आपको टैक्स लगता है वो दोस्तों लगता है 20,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 7 लाख तक जो टैक्स ही लगने वाला है वो 20,000 का लगने वाला है, 20,000 से ज़्यादा टैक्स आपको लगेगा ही नहीं। और जो ये प्रोवाइजो कहता है वो ये कहता है कि आपको जो मैक्सिमम रिबेट मिलेगी वो मिलेगी आपको 100% ऑफ द इनकम टैक्स, जो भी आपका टैक्स लगेगा वो, और अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस। तो ये 25,000 की अमाउंट का तो अब कोई लॉजिक रह ही नहीं गया है जब ये नया टैक्स स्लैब जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया 24-25 के लिए, क्योंकि अब 25,000 तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 7 लाख तक ही आपका जो टैक्स बनेगा वो 20,000 बनेगा। तो विच एवर इज़ लेस की बात करते हैं, इसलिए आप मान के चलिए अब आपकी ये जो रिबेट है 25,000 की, ये आपको नहीं मिलने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर से। अब आपको जो रिबेट मिलेगी वो केवल और केवल 20,000 की ही मिलने वाली है। तो इस टैक्स स्लैब से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से जो 25,000 की रिबेट थी आपकी, वो इनडायरेक्ट तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो ख़त्म कर दी गई, डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा गया, बट क्योंकि वो जो क्लॉज लिखा हुआ है कि 7 लाख तक की इनकम के ऊपर रिबेट मिलेगी और उसमें भी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस, तो 25,000 का कंसेप्ट इस स्लैब में अब इंट्रोड्यूस होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं अब आपकी जो रिबेट है न्यू टैक्स रिजीम में वो केवल और केवल 20,000 रुपीज़ की है। और दूसरा एक चीज़ और इसमें चेंज कर दिया गया था, जो कि 5 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो गया था इनकम टैक्स पोर्टल पर, अब न्यू टैक्स रिजीम में केवल आपको जो रिबेट मिलेगी वो जो नॉर्मल टैक्स स्लैब की इनकम है उनके ऊपर ही मिलेगी, जैसे सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो गई, या इसके अलावा कोई अदर सोर्सेज से रेंट हो गए, सॉरी इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, इनके ऊपर ही रिबेट मिलेगी आपको। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट आपने सेल की उस पर 30% टैक्स लग जाता है, 115BB, 115BJ ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 30% टैक्स लग जाता है, तो ये जो स्पेशल रेट की इनकम है इनके ऊपर अब आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर रिबेट नहीं मिलने वाली है। रिबेट आपको केवल जो नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम है उनके ऊपर ही मिलने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, और ये रिबेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से अब आपको 25,000 की रिबेट नहीं मिलने वाली है, ये रिबेट केवल आपको अब 20,000 की ही मिलने वाली है। तो ये था छोटा सा अपडेट दोस्तों, जो कि आपको बताना ज़रूरी था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।